वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पिंकी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं, मेरी क्यूट सी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये व्लॉगिंग मेरी होने वाली है 6 मंथ बर्थडे की, मेरी बेटी के, मेरे नहीं। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप और आपकी फैमिली कैसे हो। तो ये मेरी वीडियो 2-2.5 महीने पहले की है, जो कि मैं अब इसको वीडियो को पोस्ट करूँगी। और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और जब से मेरे पास ये वाला फ़ोन आया है, तब से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करूं। और जैसा भी है, छोटा मोटा सेलिब्रेशन हमने जैसा भी करा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी लड़खड़ा रही है। और बिल्कुल भी ना, सच बता रही हूँ, मेरा तो व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा जब से मेरा वो वाला फ़ोन ख़राब हुआ है और ये वाला फ़ोन आया है मेरे हाथ में। इस वजह से आप लोगों के बीच मेरी व्लॉगिंग नहीं आ पा रही है। और ये कुछ इस तरह से मेरे घर में डेकोरेशन हुआ था। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मेरी 6 मंथ बर्थडे गर्ल कैसी लग रही है आप लोगों को, वो भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम लोगों ने केक भी कट कर लिया था और ज़्यादा लोग नहीं आए थे, ना मेरे ससुराल से और ना ही मेरे घर से। हाँ, मेरी बहनें आई थी घर पर मेरे ऐसे ही घूमने। और जिस दिन मेरी बेटी का 6 मंथ बर्थडे था, तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सुबह से शाम हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अब पहले तो आप लोग ये छोटी सी क्लिप देख लो और मुझे ज़रूर ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा 6 मंथ सेलिब्रेशन कैसा लगा। तो चलो यहाँ पर मेरा ये 1 हफ्ते बाद की व्लॉगिंग है। और हम लोग जा रहे थे मार्केट करने, घर का शॉपिंग वगैरह करने, तो साथ ही साथ ना हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे, जो कि हमारे दूध देने आते हैं रोज़। और पूजा वगैरह मैंने सब कर ली थी। एक तो मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ना लूज़ टूल हो रहे हैं और चिड़चिड़ापन सा हो रहा है मेरी बेटी को। अब ये मुझे नहीं पता कि किस लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं। और सच में मेरी बेटी का अगर थोड़ी सी भी कुछ भी होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मेरी बेटी को मेरी वजह से तो नहीं कोई दुख परेशानी हो रही है कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अभी तो पहले से बहुत बेटर है और लूज़ टूल हैं, बहुत कम कर रही है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार तो कर ही रही है अभी भी। और डॉक्टर ने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया था कि अगर ये इसको आराम नहीं पड़ेगा तो हम लोग इसको एडमिट भी कराना पड़ सकता है। तो मेरे को तो ये चीज़ सुन के ना मुझे इतना रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं अपने घर पे आके इतना रोई थी ना, मैंने व्लॉगिंग उस टाइम पे ली ही नहीं, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं औरों जैसी नहीं हूँ कि मेरे को व्लॉगिंग दिखानी पड़े कि मेरे घर में दुख परेशानी है तो भी दिखाऊँ। हाँ, मैंने व्लॉगिंग करी है तो अच्छे टाइम के लिए करी है, कि अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर पाऊँ, इस वजह से। और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर का शॉपिंग वगैरह करने, मैंने ये बताना तो आपको भूल ही गया, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पर लिया मैंने डायपर वगैरह सब लिया है। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी ने घर का राशन भी साथ साथ लेते समय बाबू का भी सामान ले रहे थे। तो ये डायपर हमने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम आप लोगों को पता ही है मैनी पोको बैंस का ही यूज़ करते हैं और आज तक करते ही हैं। तो बस ये फर्स्ट टाइम यूज़ करा था, वहाँ बेबी हक का मिल गया था इसलिए हमने ले लिया। और यहाँ पर घर पर आकर हस्बैंड जी चेक कर रहे थे कि डायपर अच्छा है या नहीं, क्योंकि मैनी पोको पैंट्स का तो अच्छा ही है, जो कि सब यूज़ करते हैं और जो यूज़ करता होगा उसको पता भी होगा कि बहुत अच्छा है वो। तो बस यहाँ पर आप लोग प्राइस भी देख सकते हो, हमें इतना महंगा पड़ा था। इसमें थे 84 पीस निकले थे डायपर के, और घर का राशन वगैरह ये भी है। तो जो कि मैं अपने लिए भी 2-3 चीज़ें लेकर आई थी खाने के लिए, जो कि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इस चीज़ का पैसा मैं आपको दे दूँगी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड कभी भी मुझसे नहीं खर्च करवाते जब मैं उनके साथ जाती हूँ कहीं भी। तो मैंने ये आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये पाउडर उस डायपर के साथ हमें फ्री मिला है, जो कि इसके ऊपर ना रेट लिखे थे ना कुछ। तो यही था ये पाउडर, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा है, पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, डायपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देख सकते हो मेरी बेटी को अपने न्यू पाउडर के साथ खेल भी रही है वो।
यहाँ पर हम सारा सामान घर का जो जो हमारा ख़त्म हो चुका था वो लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर ना ये टॉप्स की मुझे मैगी दिख गई थी तो मैं लेकर आ गई टेस्ट के लिए, ऐसे नहीं कि हाँ मैगी ही खानी होती, नहीं टेस्ट के लिए मैं मैगी लेके आई थी। मुझे फर्स्ट टाइम न्यू दिखा कुछ तो ले आई। और तीन तरह के मैं पॉपकॉर्न भी लेकर आई थी अलग अलग फ्लेवर्स के। और राज मंदिर का ही मेरे घर में ये राशन आता है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ बस यही। आप लोग ये मत सोचना कि मैं प्रमोट कर रही हूँ कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं केक लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बस कुछ ज़्यादा रेंज का नहीं है, बस ये आप लोग देख सकते हो कितने रुपए का है कितने का नहीं। तो चलो आप लोग भी देख लो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, और मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में। तब तक आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करो। अगर मेरे चैनल को अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना साथ ही साथ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये भी हमें एक फ्री मिला था इतने सारे सामान के बाद। और हस्बैंड जी यही बिल में चेक कर रहे थे कि ये मेरे को, मैंने लिया नहीं, ये कहाँ से मेरे पास आ गया। लेकिन ये बाद में पता चला कि ये फ्री आया था, और ये मेरी 2-2.5 महीने पहले की व्लॉगिंग है। तो आप लोग समझ सकते हो ये एग रोल आप लोगों के लिए जो खाते हैं, उन लोगों के लिए जो नहीं खाते, आई एम सो सॉरी। और ये उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है मेरी, जो कि हमने बनाई थी एग भुजिया और साथ में ब्रेड। और ये मेरे पुलाव है, रायता है और चाय है साथ ही साथ। आप लोग भी इंजॉय करो, आप लोगों को खाना है तो वो भी खा सकते हो। इतने दिनों बाद, 2-2.5 महीने बाद ये व्लॉग जो भी मैंने आपको दिखाया है, जो आप लोगों ने ये आगे देखी मेरी क्लिप है, ये 2-2.5 महीने पहले की है। और जो मेरी बेटी का 6 मंथ बर्थडे था वो भी हम लोगों को सरप्राइज ही मिला था, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी 6 मंथ बर्थडे मनाने की, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं इस वजह से। और बस परेशानियाँ चल रही हैं अभी। तो बस आप लोगों से यही शेयर करना था ये छोटा सा व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर एक्टिव आऊँ। और गाइस ये व्लॉग जो भी मैंने छोटे छोटे वीडियो हैं वो मेरी 2-2.5 महीने पहले की छोटी छोटी व्लॉगिंग जो मैं लेती थी वो मैंने आपको एडिट करके दिखाई है ये। क्योंकि अभी मेरे पास गाइस मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं घर में और बस परेशानियां चल रही हैं। आप लोग एक फैमिली हो तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और बस जब मेरे को जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो फिर से मैं आपको कंटिन्यू दिखूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जल्दी जल्दी ना प्लीज़ गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो जाके जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जाके सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और अपने घर में अपने फ्रेंडों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दो ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। और मुझे आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो चलो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी जाके वो कर लो प्लीज़ गाइस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, आपसे मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को। तो चलो मिलते हैं किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि आप लोगों को मेरी बेटी का 6 मंथ बर्थडे कैसा लगा। बाय।